मुझे काफ़ी समय से इवन 6-7 महीने से लोग बोल रहे थे कि भैया माइनक्राफ्ट खेलो, लेकिन कभी मैंने ध्यान नहीं दिया। लेकिन अब जब ज़्यादा ही बोलने लगे हैं तो दोस्तों माइनक्राफ्ट की भी सीरीज शुरू करते हैं और देखते हैं पहला दिन कैसा रहता है हमारा। वैसे इंटरेस्टिंग रहेगा क्योंकि हमारा पहला ही दिन है, सर्वाइव करेंगे, क्या नई चीज़ें होंगी हमारे साथ देखते हैं। चलो दोस्तों शुरू करते हैं माइनक्राफ्ट डे फर्स्ट। भाई कहीं सही जगह उतारी हो, सही जगह उतारी हो, एक दो वीडियो देखी मैंने, क्योंकि जंगल पंगल में मतना तार दियो, ये 100% होते पता नहीं कहाँ तारेगा। अरे गांव के दौरे तार दे तो मजा ही आ जावे छोरे, ये हो गया 100%। अबे कहाँ उतार दिया बे, अबे इतने पेड़ों के बीच में उतार दिया, अबे यार कि यहाँ तो पहाड़ भी नहीं है आसपास। अबे यार ये गलत बात है यार, यार ऐसी जगह क्यों उतार, अरे फैदर मिल गया शुरू में ही। दोस्तों क्या बात है, किस्मत अच्छी है। ये क्या लोमड़ी, लोमड़ी है भाई, लोमड़ी है, बिल्ली है क्या ये, अबे लोमड़ी थी वे, वाओ। चलो जब यहाँ उतरे ही हैं तो यहीं से शुरुआत करते हैं। दोस्तों मैं सोच रहा था थोड़ा पहाड़ वहाड़ से होते आसपास थोड़ा अच्छा रहता, इस साइड लग रहा है मेरे को, क्यों ना इस साइड चलें, उस साइड घर बनाने की कोशिश करेंगे। क्या हम इसे पकड़ सकते हैं भाई, बड़ी तेज़ी नहीं पकड़ सकते, मुझे लग रहा है इस तरफ थोड़े से पहाड़ से हैं, थोड़ा सा आगे की तरफ चलते हैं। लोमड़ी है, लोमड़ी है भाई, एक काम करते हैं पहले, अरे सबसे पहले लकड़ी चुराते हैं, क्राफ्टिंग करते हैं, कुछ हथियार बनाते हैं। सीधी सी बात यह है कि सर्वाइव करने के लिए पहले सबसे पहले कोई भी चीज़ काटने कूटने के लिए आपके पास कुछ ना कुछ होना चाहिए, ठीक है ना। शुरुआत के लिए इतना काफ़ी है, टूट जा भाई जल्दी। हाँ एक और रह गया, नहीं पहुंच रहा। अच्छा दोस्तों इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, ये खोलेंगे और इसको आप सबसे पहले ब्लॉक्स बनाएंगे, ठीक है। ये आपने ब्लॉक्स बना लिए, ठीक है। अब ब्लॉक्स को चारों तरफ ऐसे रख देंगे, ठीक है, ये आपकी क्राफ्टिंग टेबल बन जाएगी। दोस्तों क्राफ्टिंग टेबल उठाओ, ज़मीन में फेंको और उसके बाद सबसे पहले बनाओ क्या, रॉड यानी लकड़ियाँ के डंडे, ये उठाओ, जितने भी ज़्यादा आप फिलहाल बना सकते हो, ठीक है दोस्तों। अरे जल्दबाजी होगी मेरी थोड़ी सी, चलो कोई बात नहीं, एक पेड़ और तोड़ लेते हैं। टूट जा भाई जल्दी टूट जा यार, घूसे मार के तोड़ना भाई साहब, पावर देखो लौंडे में, हाथ से तोड़ रहा, हाथ से पेट काट दे, टार्जन का कड़े कते बिल्कुल बाप हो रहा है वो, यहाँ कुल्हाड़ी से काटते हुए आदमी के कहाँ तक के पसीने छूटा है बस वही जाना है। आइए देखो हाथ से काट दिया सारा पेड़, अरे भैया स्ट्रांग है, स्ट्रांग मैन है, स्ट्रांग मैन। चलो दोस्तों अब बनाएंगे हम लोग हथियार, यानी कि तेरा काम नहीं है, तेरा काम है, तू भी वापिस आ जा। हाँ ओके, ये हमने उठाया और इसके बाद हम करेंगे सबसे पहले जो भी है ये क्या बोल रहे हैं इसे, वुडन पिकैक्स। हाँ एक कुल्हाड़ी भी बना लेते हैं दोस्तों, ये कुल्हाड़ी बना ली, और एक जो ज़रूरी चीज़ है इनकेस एमरजेंसी में क्या है, तलवार। अच्छा किसी को ये चीज़ बनानी नहीं आती हो तो सीधा बुक पे क्लिक करें, हथियार ढूंढने तो हथियार पे क्लिक करो, जो खाने की चीज़ें देख रही तो खाने की चीज़ें पे देखो, जैसा भी मर्जी हो, सीधी सी बात है, बहुत आसान है, ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। और हाँ अपने क्राफ्टिंग टेबल को हमेशा अपने साथ रखो दोस्तों। अरे लकड़ियाँ बतेरी मिल गई यहाँ पे, अब कोशिश करते हैं इसे, क्या ये मेरे हाथ पे हाथ ही नहीं आ रही भाई साहब, कतई जहर वाला मामला कर रखा है इसने तो। ओए एक बार मैं सोच रहा हूँ इसे देखूँ, इसे क्या पता इसे मारे कुछ अच्छी चीज मिले, क्या है यो, है क्या,
एक तो यार भाई ये क्या साउंड है बे? ओ भाई साहब डरा दिया मेरे को तो। गुफा ओ तेरी ये क्या है बे? ओए तेरी मेरी पावर ले गया बे। ये क्या था? ओ भाई ओए वो साला मेरे को मेरी हवा खराब कर दी इसने भाई। कच्चा मीट खाना पड़ रहा है मेरे को भाई। ये यार ये था क्या? पता नहीं जो भी था बहुत ही खतरनाक था इतना पता है। थोड़ा सा हथियार हथियार लूटने की कोशिश करते हैं, बनाने की कोशिश करते हैं। पत्थर वत्थर उठाओ। नीचे है क्या? कुछ नहीं लग रहा मेरे को। उठा उठा जल्दी उठा। हाँ ठीक है चलो यहाँ से निकलो यार, मज़ा नहीं आया यहाँ। मेरे शुरू में मामला ख़राब कर दिया। कोई बात नहीं, सर्वाइव करना ऐसे ही सीखेगा। इतना आसान नहीं होता जैसा लगता है। मैं तो यार हम लोग एक ऐसे घने जंगल में उतार दिया मेरे को। मैं किस किस को काट के कहाँ जाऊँ? मुझे तो ना पहाड़ दिख रहा है यार। पहाड़ इस साइड मुझे लग रहा है, पेड़ ऊँचे ऊँचे से इस साइड है, तो इस साइड चलते हैं। मैं अपने लिए घर के लिए कोई जगह देख रहा हूँ, कोई सही सी जगह यार दोस्तों, जो कि ऐसे जंगलों में फंस ना जाए। तो कुछ ज़्यादा ही घने जंगल हो गए। ये जगह थोड़ी मुझे ठीक लग रही है, फिर भी एक बार ऊपर जाके देखते हैं। उत्तरी बड़ी अजीब सी जगह यार। यहाँ घर बनाया जा सकता है क्या हमारा? आई थिंक बनाते हैं। चलो इधर ही घर बनाते हैं, यहीं से आगे की अपनी जर्नी शुरू करेंगे। ठीक है थोड़ा सा रेत भी ले लेते हैं, आगे हमारे काम आएगा। पेड़ को भी यहाँ से साफ करते हैं भाई लोग, क्योंकि हमारे रास्ते में आ रहा है। यार जगह अच्छी नहीं लग रही मेरे को, पता नहीं क्यों मजा नहीं आ रहा यार। ऊपर जाके देखता हूँ, क्या पता दूसरी साइड कोई अच्छी जगह हो। हाँ ये मिली ना भाई साहब जगह, इधर ठीक है मामला, इधर बनाएंगे कहीं घर अपना। अब थोड़ा सही लगा देख के। हाँ इधर अच्छा लग रहा है, खुला जगह है, खुली जगह एकदम। तो हम अपना घर बनाएंगे बनाएंगे बनाएंगे। कहाँ पर बनाएं? इसके ऊपर बनाएंगे, इस पहाड़ी के ऊपर। ठीक है इधर चलते हैं दोस्तों हम लोग। अब नीचे उतरना थोड़ा सा मुश्किल, क्योंकि एक गलत स्टेप और सीधा आपकी पावर गई भैंस पानी में। फिर सीधी सी बात है ऐसे। ये क्या है, किस तरह का मेटल है?
फाइनली ये ठीक है, यहाँ हम अपना घर बना सकते हैं, ऊपर भी है ऊंची जगह और दूर से दिखाई दे जाएगा। अगर हम अपना घर भूल जाए कहीं भटक जाए तो मैं आसानी से देख सकते हैं अपना घर। थोड़ा साफ ले जाए मामला, गाँव के पास अगर मैं स्पॉन होता तो ज़्यादा बढ़िया रहता यार। रात भी होने वाली है यार, ज़्यादा जल्दी हो रही है रात। और क्या किया जाए अब, यार मैं इसे मारना नहीं चाहता लेकिन मारना पड़ेगा। मारना इसलिए नहीं चाहता था यार क्योंकि इससे मेरे को ना वो लेना था ताकि मैं अपना बेड बना के फटाफट। अरे यार शिट मैन, अभी दिक्कत है। तो फिर एक ही तरीका है दोस्तों रात को सर्वाइव करने का फिलहाल, वो ये कि इससे पहले कोई आ जाए थोड़ा सा अपने घर की लोकेशन से दूर हो और यहाँ खोदना शुरू करो, जिससे आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा और आपको चीज़ें भी मिल जाएंगी। ठीक है, यानी कि आपको कोल वगैरह मिल जाएगा आपका, तो यहाँ पर काफ़ी चीज़ें मिलना आसान है। ये हम वापस आ चुके हैं जहाँ पे हमें आना था, चारों तरफ खुला मैदान। अबे यहाँ किसान, अबे अब किसान घूम रहे, व्यापारी कौन है भैया? हेलो हेलो भाई साहब। हाँ हाँ, क्या हाल भाई साहब? ओ ये क्या है बे, ये ने बेक रहा है भाई। हाँ? ओ मुझे दे दे, मेरे पैसे नहीं, दे दे और दे दे, तलवार दे दूंगा तेरे को। सुन हाँ? सुन, दे दे, क्या दे सकता है ये बदले में? हाँ? मेरे पास कुछ नहीं है क्या, इसलिए नहीं दे रहा मेरे को? और दे दे यार। अबे ये क्या उतरी? अरे यार मत दे, अबे गरीब आदमी कोई सुनता ही नहीं हूँ कर रहा तेरी, ऐसी की तैसी रुक जाए, मैं भी जल्दी अमीर बनूंगा यहाँ पे, फिर बताऊंगा तुझे। ये लीला सा फूल ले लूँ, काम आएगा, मुझे बढ़िया लग रहा है। अपना घर बनाएंगे हम कहाँ पर? यहाँ पर मैंने जहाँ पे सोचा था। ये क्या खड्डा सा बीच में है इसमें? अच्छा कुछ नहीं है। ऊपर कैसे चढ़ेगा? अब चढ़ जा भैया। हाँ ठीक है, तो अपनी सफाई करते हुए यहाँ पे ये हमने फटाफट साफ कर जल्दी जल्दी। भाई घर बनाना है घर जल्दी जल्दी करके जा, छोटा सा सही। तोड़ते जाओ तोड़ते जाओ तोड़ते जाओ तोड़ते जाओ तोड़ते जाओ तोड़ते जाओ। वैसे यार बैकग्राउंड, अरे बैकग्राउंड का साउंड अच्छा लगता है यार ये जो भी है। तो भाई जो हेडफोन लगाने के बाद अगर जो बीच में साउंड इनका इतना
खतरनाक सा आता ना, सही बताऊं मैं डर जाता हूँ यार कई बार, तो वो भी कमाल है यार, मतलब जो भी है साउंड बहुत बढ़िया है इनका। इतना कम एमबी का गेम लेकिन मज़ेदार, कसम से मज़ेदार गेम। ओके इतना एरिया अपना साफ हो चुका है फिलहाल। अपने पास लकड़ी के ब्लॉक्स कम हैं, मेरे को लकड़ी चाहिए थी वैसे कायदे में अभी, और तो अभी फिलहाल ये यहाँ रखते हैं, ठीक है इसको यहाँ रखते हैं और ठीक है इस तरफ को बनाते हैं, एक इधर रख लेते हैं, ठीक है इधर और इधर इधर रख लेते हैं एक, यार कम पड़ गए मेरे को, कम पड़ गए वो लाने पड़ेंगे, पेड़ है आसपास, उधर जाऊं उधर जाऊं या उधर, पास वाले के पास चलते हैं। ये किसान यही घूम रहा है भाई, इसमें ट्रेड भी कर सकते हैं, मुझे नहीं पता था कि इसमें खरीद फरोख्त भी कर सकते हैं, ये सब नहीं पता था मुझे। पर जो भी था यार बढ़िया था, ऐसा फर्स्ट टाइम देखा मैंने कि इसमें आप कुछ खरीद भी सकते हो बेच भी सकते हो। और नहीं है क्या यहाँ पेड़ आसपास, लोग अंडे भी मिल गए। आई थिंक इतना काफ़ी है स्पेस बीच में, या और कम है, मुझे लगता है कम है यार, थोड़ा बड़ा करते हैं। दोस्तों हम आ गए हैं वापस कुछ लकड़ियाँ और लेके, अब इसको फटाफट बनाने की कोशिश करते हैं, किस तरीके से हम बनाएंगे देखते हैं, कोशिश रहेगी जैसा मेरे दिमाग में थोड़ा सा आइडिया आ रहा है। तो फटाफट सबसे पहले तो थोड़ा थोड़ा ऊंचा कर ले, लेआउट सा कर लेते हैं, पता लग जाएगा कि किस तरह का बनने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। एक के ऊपर एक, ये बहुत ही बढ़िया बहुत ही बेहतरीन से काम कर रहे हैं हम लोग फिलहाल यहाँ पर। और साथ में हम लोग को चाहिए क्या भैया, ये चाहिए पत्थर, पत्थर को हम उठाएंगे इस तरह, ओह वो गलत लगा दिया, इसको भी गलत लगा दिया, तो इसको भी हटाओ यहाँ से, और उस वाले पत्थर को भी हटाओ वहाँ से, और यहाँ पर ये हमने पत्थर रखा, ये पत्थर यहाँ पर, ओ मैं वो आगे कूद गया, कोई बात नहीं यार, कैसे कैसे ऐसे कैसे हो रहा है। अच्छा ये हम गेट लगाने की कोशिश करें फिलहाल के लिए, मैं थोड़ा आउट ऑफ द मतलब कर देता हूँ जिस तरीके से हमें करना है, थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। हम्म,
यहाँ पे भी एक मैं गेट लगाऊंगा। ठीक है, एक गेट हमारा इधर हो गया, एक गेट हमारा उधर हो गया। वैसे इस साइड भी गेट होनी चाहिए यार मेरे हिसाब से। यार नहीं, वैसे दो गेट बहुत है। चलो ठीक है, दो गेट बहुत है। ओके ठीक है, हट जा मेरे रास्ते से। ठीक है, बाबा वो हट गया। और इसके ऊपर, इसके ऊपर एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, और फाइनली एक यहाँ पर। ठीक है, तो ये हमारा फ़िलहाल के लिए आउटलुक, मतलब आउटलुक कह रहा थोड़ा सा लेआउट सा बन गया है। ठीक है, और थोड़ी सफाई कर लेते हैं अंदर से। और दोस्तों मैंने तीन भेड़ को मारा था, जो कि मुझे मारना नहीं चाहिए था, लेकिन मैंने उनको तीन भेड़ को मार दिया था क्योंकि मेरे पास कोई चारा नहीं था, और उससे मैंने बेड बना दिया था। ठीक है, अभी फ़िलहाल हम बेड का यहाँ बेड को यहाँ आराम से खिसकाते हैं, ताकि अगर बाई चांस अंधेरा हो जाए जल्दी से तो हम लोग जो हैं सो के उठ सके जल्दी से, यानी दिन कर सके। ठीक है ना, क्योंकि आज हमें अपना घर ज़रूर तैयार करना है कैसे ना कैसे करके। ठीक है, और इनको इनको सही जगह पर रखते हैं जहाँ ये होने चाहिए। बेड अगर हमने यहाँ लगा दिया है तो ऑब्वियसली मैं इसको भी इधर ही लगाऊंगा। नहीं, इस तरफ नहीं लगाऊंगा, इसको मैं इधर लगाता हूँ, यहाँ ठीक रहेगा। हाँ ये ठीक रहेगा। और इसके बाद इसको यहाँ लगा दिया। ठीक है, बेड बेचारा ज़्यादा उधर हो गया, कोई बात नहीं, चलो बेड को हम नीचे थोड़ा सा खिसका देंगे बाद में। ठीक है, बाद में अभी खिस जाएंगे। हाँ बात किसने देखी है, यहाँ यहाँ लटाएंगे, यहाँ लेट। हाँ यार ऐसे क्यों लेट रहा है, वैसे क्यों नहीं लेट रहा है वो, तो क्या ऐसे लेटेगा, ऐसे ऐसे करके देखूँ इधर से। हाँ ऐसे, ये सही है भाई साहब। तो ये कांच क्यों नहीं बना पा रहा है, क्या इसमें अरे इसमें बनेगा आई थिंक कांच। देखें जरा, हाँ ये बात। दोस्तों कांच बनाना है तो आप भट्टी में जाएंगे, और भट्टी में जाने के बाद यानी कि फर्नेस में जाएंगे अपने, और उसमें जो है जो आपको रेत मिली है, रेत के ब्लॉक्स हैं यानी सैंड के जो ब्लॉक्सेस हैं, उसको इसमें डाल देंगे तो ये आपको आई थिंक देगा बना के कांच के बॉक्स ग्लास। यस 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 यस। और इन ग्लासेस को आप आई थिंक और बनने दो, बनने दो, बनने दो, मैं बताता हूँ बताता हूँ। नाइस, एक और बनने दो, बनने दो। एक और बन जाए फटाक से, फिर देखते हैं आगे। ये कुल्हाड़ी को रख देते हैं यहाँ पे। ये हमने बना दिए 16 बन गए, 16 हमारे कांच बन गए। ठीक है, ये हमने यहाँ रखे, और अब हम इनको लगाएंगे कहाँ। ये बात, ये लगाएंगे ऐसे। ओह हाँ, बाहर हो जा, बाहर हो जा। इतनी मेहनत करती मैं फालतू की मैं कर रहा हूँ इतनी है। ये हमने यहाँ लगा दिए कांच। ठीक है, घर बनाएंगे घर जैसा, गुफा बनाओ तो कोई भी बना लेगा, क्या फायदा। हम घर बनाएंगे घर जैसा।
ओके खत्म हो गए मैं ढूंढ रहा हूँ। तीन और बने, इसको भी झोंक दो इसमें, ठीक है। और उसके बाद हम इसमें डाल देंगे क्या, आधा कोल, ताकि बीच में रुके ना, ठीक है। चार हो गए, छः चाहिए कम से कम, ताकि छः के 16 बन जाएंगे और फिर हमारा यहाँ तक आ जाएगा, ठीक है। तब तक हम एक काम करते हैं, बाहर जाके बाहर से थोड़ा सा हिसाब किताब सही कर देते हैं इसका। थोड़ी देर बाद यहाँ घास भी कट जाएगी। ये हम इसको सही शेप में ले आते हैं ताकि घर घर जैसा लगे, ठीक है। नाच मेरी बुलबुल तुझे पैसा मिलेगा, कहाँ का दर्दान तुझे ऐसा मिलेगा। ये जल्दी जल्दी करो, थोड़ी सी घास की सफाई कर लो, फटाफट फटाफट फास्ट फास्ट रे, फास्ट फास्ट, यस यस समथिंग समथिंग। ठीक है ठीक है ठीक है, इधर का हो गया और ओके नाइस। ये हम अपने घर की शोभा बढ़ाने के लिए करते हुए, ठीक है। ओहो इधर भी हमें कुछ करना पड़ेगा, वरना गलती से मैं ही टपक जाऊंगा नीचे। बॉस तो सोच रहे होंगे कर क्या रहा है फालतू की दी, पर भाई घर हो तो घर जैसा, ठीक है ना, सीधी सी बात है, घर हो घर जैसा। कितना सुंदर लगने लगा है अब इसे, वाओ क्या बात है लौंडे। इसमें कुछ और पका देते हैं, तब तक ये ले तू पक जा यार, अच्छा लग रहा है यार, है ना, नाइस। लकड़ियां चाहिए मेरे को और ये स्टेयर्स बनाने के लिए। अब मुझे ऊपर की तरफ रखना है सारा का सारा, तो अब हम क्या करेंगे, ये हम घर को कवर करना शुरू कर देंगे। ये बात कैसा बन रहा है दोस्तों, थोड़ा सा मुझे बताना, और यार कमेंट करके बताना यार घर कैसा लगा तुम लोगों को यार बनने के बाद। यार अभी तो मैं थोड़ा धीरे धीरे ट्राई कर रहा हूँ, अभी नया नया हूँ ना आदमी, नया खिलाड़ी हूँ भाई, ज़्यादा वो नहीं हूँ। अच्छा ख़त्म हो गए, वो नहीं है क्या है, तो ये बात, ये हमने अपना फ़िलहाल के लिए घर बनाया है। यहाँ पे ज़ॉम्बीज़ वगैरह अंदर तो आ नहीं सकती इसमें, या ना यहाँ से कूद सकती ना यहाँ से कूद सकती। अब हमें बस ये देखना है आगे हमें और करना क्या है, ठीक है, और क्या क्या चीज़ें चाहिए। और फिलहाल हमारे पास सब कुछ है और अब हम थोड़ी सी माइनिंग कर सकते हैं। अच्छा इस घर को मैं आगे और डेकोरेट करके दिखाऊंगा दोस्तों, मेरे ख्याल से वीडियो भी काफ़ी लंबी हो गई है, तो आज के लिए इतना ही मेरे हिसाब से। अब इसको हटा देते हैं फिलहाल के लिए, ताकि अगली वीडियो मैं कल या परसों ही लेके आऊँगा आप लोगों के लिए, कल ही लेके आऊँगा, परसों क्यों करे, कल करे सो आज करे, आज करे सो अब, पल में पड़ ले होएगी बहुरी भरेगा कब। तो भैया लिए कोशिश करूँगा आज इसका वीडियो का काम पूरा करूँ, कल मैं आप लोगों के लिए सामने लेके आऊँ। वैसे मेरी पैसिंग है दोस्तों, और यार हो सके तो भाई को सपोर्ट करो, 1.5 साल से यार यूट्यूब में मैंने बहुत बहुत समय दिया अपना, ऑलमोस्ट फुल टाइम दिया है, लेकिन यार सपोर्ट मिलेगा पता नहीं क्यों भाई लोगों का,
प्लीज भाई लोग सपोर्ट करो, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो, आप लोगों को कंटेंट समझ में आया हो या गेम खेलने में हेल्पफुल हो, तो प्लीज़ यार लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और हो सके तो शेयर कर देना। 90% लोग शेयर नहीं करते, 99%, लेकिन यार अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ रिकमेंड कर देना। ओ यू क्या है, मछली और की है। चलो दोस्तों, आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, कल फिर से मिलते हैं। कल तक मैं इस घर को अपने बिल्कुल रेडी कर लूँगा, और रेडी करने के बाद आपको दिखाऊंगा कैसा लुक हो रहा है इसका, कैसा बना है। और उसके बाद अगली वीडियो में फिर हम लोग अपना सर्वाइव करेंगे day 2। शायद हम लोग हो सकता है फ़िशिंग करें, हो सकता है हम लोग फार्मिंग करें, क्या करेंगे तभी डिसाइड करेंगे। पर आज के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।